Assalamualaikum everyone, I hope you all guys are well. I welcome once again to your own YouTube channel JK Student. So guys, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था इसके इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है कल, तो उसमें हमने बताया था JKSB ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस विद J&K के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2014 से लेकर 2023 तक यहाँ पे पूछे हैं उन पे हम एक वीडियो सीरीज़ लाने जा रहे हैं. तो ये उसका सेकंड वीडियो है उस वीडियो सीरीज़ का. यहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस विद ऑफ J&K 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो भी डिस्कस यहाँ पे क्वेश्चन होगा उसके साथ में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस होगी और की पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे. तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. क्वेश्चन नंबर वन इज़ हु आज द फाउंडर ऑफ जम्मू. ऑप्शन आर ध्रुव दारा, जोना राजा, राजा जाम्बू लोचन, गुलाब सिंह. इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर फोर, दैट ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज राजा जाम्बू लोचन. काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया, तो यहाँ पे फाउंडर ऑफ जम्मू पूछा गया, तो जाम्बू लोचन, राजा जाम्बू लोचन फाउंडर ऑफ जम्मू है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कश्मीर वैली वॉज ऑरिजिनली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स. ऑप्शन आर बारामूला, कश्मार, कश्मीरिया, कश्यपमार. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज कश्यपमार इज द राइट आंसर. और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कश्मीर वैली को ऑरिजिनली यहाँ पे कश्यपमार के नाम से जाना जाता था. इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कश्मीर वैली वॉज ऑरिजिनली कॉल्ड बाई कश्यपमार. यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे इसके रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं. द एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियंस टॉलमी आल्सो ए मैथमेटिशियन एंड जियोग्राफर इन हिज बुक जियोग्राफिया कॉल्ड कश्मीर एज कश्मीरिया. इन द क्लासिकल लिटरेचर हीरोडोटस मेंशंस इट एज कस्पेट्रोस एंड हिकैटियोस कॉल इट बाय द नेम ऑफ कस्पलरोस और कैस्पेपायरोस. इट इज़ कॉल्ड शीमी इन द नरेटिव ऑफ टो यंग एंड सन यंग. सम अदर चाइनीज अकाउंट्स रेफर्ड टू कश्मीर एज की पिन और ची पिन और जी पिन और एच ई पिन. तो यहाँ पे कश्मीर के डिफरेंट नाम्स बताए गए हैं डिफरेंट यहाँ पे जो मैथमेटिशियन या जियोग्राफिकर या यहाँ पे काफ़ी सारी लोगों के द्वारा ये जो नाम बताए गए. और यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में भी कौन कौन से शीन मी भी बोलते हैं इसको यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में. और यहाँ पे की पिन भी बोलते हैं, ची पिन भी बोलते हैं और जी पिन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, इन चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है. तो इसकी मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा यहाँ पे जो है टेलीग्राम ग्रुप में, वो आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी वीडियोज़ का लिंक वहाँ पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन विच ईयर डिड गुलाब सिंह कैप्चर एंड कॉन्क्योर राजौरी फ्रॉम अगार खान. ऑप्शन आर 1819, 1820, 1821. इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1821. गुलाब सिंह ने कैप्चर एंड कॉन्कर किया राजौरी फ्रॉम अगार खान. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं. इन 1821 गुलाब सिंह कॉन्कर्ड राजौरी फ्रॉम अगार खान एंड कश्तवार फ्रॉम राजा तेग मोहम्मद. सेम ईयर गुलाब सिंह टुक पार्ट इन द सिख कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीरा गाजी खान. राजा किशोर सिंह डाइड इन 1822 एंड गुलाब सिंह वाज कन्फर्म्ड एज राजा ऑफ जम्मू बाय हिज सुजेरियन महाराजा रंजीत सिंह. इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आप इसके दो तीन रिविजन कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. ह्यून त्सांग चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ. ऑप्शन आर हर्षवर्धना, अकबर, अशोका, सिकंदरा गुप्ता. इसका जो राइट आंसर है दैट्स सिकंदरा गुप्ता, सॉरी हर्षवर्धना, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. तो ह्यून त्सांग ने यहाँ पे जो चाइनीज पिलग्रिम था उसने विजिट किया इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज. तो यहाँ पे नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलनी है. इसके जो ऑप्शन है बुरजहोम है, मंडा है, अम्बारन है और पंडराथन है. इसका जो राइट आंसर है दैट इज मंडा. मंडा इज द नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ द वैली ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसका जो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है. मंडा इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चेनाब. ये राइट बैंक ऑफ चेनाब पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है चिनाब रिवर. इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल. फुट हिल्स है पीर पंजाल के फुट हिल्स में ये लोकेटेड है.
पीर पंजाल रेंज के फोटहिल्स में, 28 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू, ये 28 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू में लोकेट एंड वाज कंसिडर्ड द नॉर्थ मोस्ट लिमिट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन। इट इज़ कंसिडर्ड द नॉर्थ मोस्ट साइट एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग शॉर्टुगाई ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड 1556 टू 1605 कश्मीर वॉज एनेक्सेड टू मोगल एम्पायर बाय विच मुगल एम्परर। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर आ रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1556 टू 1605 कश्मीर वॉज एनेक्सेड टू मुगल एम्पायर बाय विच मुगल एम्परर। ऑप्शन आर बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद आजम शाह, जलालुद्दीन अकबर, शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज जलालुद्दीन अकबर। तो यहाँ पे 1556 से लेकर 1605 तक यहाँ पे जलालुद्दीन अकबर ने एनेक्स किया था यहाँ पे मुगल एम्परर्स में से यहाँ पे कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट टू आर्टिफिशियल आइलैंड्स। यहाँ पे किस लेक के ऊपर मुगल्स ने दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए। ऑप्शन आर मानसबल लेक, डल लेक, आंचार लेक, पोलो लेक। इसका जो राइट आंसर दैट इज डल लेक। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देयर आर टू आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन द लेक दैट रूप लेक एंड सोना लेक बिल्ट बाय द मुगल एम्परर्स ऑन डल। तो इन दोनों के नाम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, रूपा लेंक एंड सोना लेंक। तो इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लास्ट वेस्टेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट वेस्टेशन हमें बताने हैं यहाँ पे। ऑप्शन आर बुरजोहम, अखनूर, कुंडालवन, पंडरातन। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज अखनूर। इज अखनूर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लास्ट वेस्टेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। ऑप्शन आर विजयशवारा, ऑप्शन वन, ऑप्शन नंबर टू मंडा, ऑप्शन नंबर थ्री कुंडलवन, ऑप्शन नंबर फोर पंद्राथन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज कुंडलवन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई है। ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मामलेश्वर टेम्पल पहलगाम इज डिवोटेड टू विच हिंदू गॉड। ठीक है, मामलेश्वर टेम्पल पहलगाम जो है वो किस हिंदू गॉड को डिवोट किया गया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, काली, शिवा, कृष्णा, वैष्णु। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज शिवा। तो मामलेश्वर टेम्पल यहाँ पे जो पहलगाम में लोकेट है वो डिवोट है यहाँ पे लॉर्ड गॉड शिवा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मामाल और मामलेश्वर टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ कश्मीर वैली बिल्ट बाई किंग जय सिम्हा। ये जो मामलेश्वर टेम्पल है ये ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ कश्मीर वैली है और इसको बिल्ट किया है जय सिम्हा ने। सेट ऑन द बैंक रिवर ऑफ लेदर, जो यहाँ पे ये लेदर रिवर के बैंक पे है पहलगाम। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू भगवान शिवा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं ये वाले क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। तो आप एक बार और इसको रिपीट कर देना और इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम में यहाँ पे भेज दूंगा। अगर आप डिमांड करते हो तभी मैं इसका जो है PDF फिर सेंड कर देता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं ना, मैं फिर ग्रुप में भेज देता हूँ इसका जो PDF है। और इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो जल्दी ही अपलोड होने वाले हैं। डेली एक पार्ट अपलोड होगा, डेली इसमें 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन अपलोड होंगे इस रिलेटेड। तो अगर इस पे आपको कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं मॉडिफाई कर दूंगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मुझे इंस्टाग्राम और यहाँ पे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।